प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलने लगा है। अब आए दिन 200 से 300 मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने अपनी ओर से सभी संभावित तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जिला अस्पताल रिपन में एनएचएम की टीम द्वारा मॉकड्रिल कर स्वास्थ्य सुविधा को जांचा। एनएचएम के एमडी सुदेश मोक्टा के नेतृत्व में टीम सबसे पहले जिला अस्पताल रिपन में ऑक्सीजन प्लांट में गई, जहां पर ऑक्सीजन की स्थिति का जायजा लिया गया। उसके बाद टीम ने दवाइयों की स्थिति जांची कि अस्पताल में दवाइयों की क्या स्थिति है। मॉकड्रिल को लेकर एनएचएम के एमडी सुदेश मोक्टा ने बताया कि मॉकड्रिल की रिपोर्ट आने के बाद ही स्वास्थ्य संस्थानों में कमियों का पता लगेगा और उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज रिपन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मॉकड्रिल की गई है। यहां पर सभी व्यवस्था ठीक है और यदि मरीज यहां आते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं रिपन अस्पताल के एमएस डॉक्टर लोकेन्द्र शर्मा ने बताया कि अस्पताल में सभी व्यवस्था ठीक है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर वार्ड और लेबोरेटरी में सभी प्रकार की सुविधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। ये पूर्व में भी जैसे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था, तो कोविड से निपटने की यहाँ का जो स्टाफ है, जितना पैरामेडिक्स है या डॉक्टर्स है, उनको सभी प्रोटोकॉल्स का मालूम है। और सेकेंडली जो हमारी तैयारी है वो सफिशेंट है और लगभग 120 बेड पे यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू है, वेंटिलेटरी सपोर्ट सफिशिएंट है। जैसे हम जानते हैं कि कोविड जो 19 है उसके केसेस रिसेंट वीक में बढ़ने स्टार्ट हो गए। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगभग 5000 टेस्ट कर रहे हैं और 450 केसेस जो है दिन के आ रहे हैं। अगर आज की बात करें तो लगभग 1750 जो कोविड 19 केसेज जो है वो एक्टिव है अभी हिमाचल प्रदेश में। उसी कड़ी में जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसकी प्रिपेडनेस क्या है, क्या कोविड 19 के अगर को मान लो कोई केसेस बढ़ते हैं तो उसके लिए जो फैसिलिटीज़ है वो हमारे हॉस्पिटल में सक्षम है कि नहीं, उसी के लिए मॉक ड्रिल 10 और 11 तारीख को रखी गई है। उसी के माध्यम से सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये चेक किया जा रहा है कि ऑक्सीजन बेड्स कितने हैं, आइसोलेशन वार्ड सफिशेंट है कि नहीं है, हेल्थ स्ट्रक्चर हमारा कंपिटेंट है कि नहीं है। और कल तक की जो रिपोर्ट आई थी उसमें लगभग 314 जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसकी ये हो चुकी है। और आज भी काफ़ी जो हमारे बचे हुए हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, लगभग 750 जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं उनकी जो पूरा ये प्रिपेयरनेस जांची जाएगी। तो जहाँ तक अभी यानी सिचुएशन है तो कोई पैनिक स्थिति नहीं है। जो फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल्स में है वो सफिशेंट है और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं नज़र आ रही है, गैप नहीं है कि जिसको हम यानी कि चिंतित हों। और जब ये जो रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाएगी, जो भी गैप अगर कोई है वो रिफ्लेक्ट होगा, उस पर हम नेसेसरी जो एक्शन है वो लेंगे। ओवरऑल इसी कड़ी में हमने आज यहाँ पर दौरा भी किया, हमारा रिपन हॉस्पिटल है, तो जो भी सुविधाएँ हैं जो फैसिलिटीज़ हैं वो सफिशेंट और एफिशिएंट लग रही है।